नमस्कार दोस्तों दोस्तों, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था हाउ टू रीड द आरसीसी लिफ्ट वॉल ड्राइंग, और आज जो है मैं बता रहा हूँ कि उसी साइज़ में जो है, जो शाफ्ट का साइज़ जो हम जो बनाए थे उसमें जो है लिफ्ट का ड्राइंग को जो है उसमें कैसे रीड करना है। और इस लिफ्ट का ड्राइंग में आपको जो आज बताएंगे हम जो है होस्ट वे प्लान उसका बताएंगे, और मशीन रूम का प्लान बताएंगे, और उसका जो सेक्शन बताएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, अब जो है लिफ्ट मतलब आपका बिल्डिंग रेडी हो जाने के बाद जो है, सारा कुछ हो जाने के बाद जो है आप लिफ्ट का काम जो है करवाते हैं, और उसके बाद आप जिस भी कंपनी का लिफ्ट लगाइए तो वो जो आपको जो है एक ड्राइंग जो है देगा, आपका जो भी साइज़ का रहेगा आपका, और फिर उस वेट के हिसाब से कितना साइज़ के हिसाब से वो पैसेंजर निकाले, कितना पैसेंजर उसमें जो है आ सकता है। तो उसी चीज़ को लेकर के जो है आज मैंने जो बताया था शाफ्ट का साइज 1650 x 1600 का जो मैं बताया था उसी का जो है आज हम आपको बता रहा हूँ उसका जो है लिफ्ट का साइज़ क्या होगा, उसका केबिन का साइज़ क्या होगा, और ये सारा चीज़ मैं आपको डिटेल आज बताऊँगा। तो बेसिकली जो है अब जो है यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पहले हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ओटिस एलिवेटर को इंडिया लिमिटेड, ओटिस का लिफ्ट जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, और इसका जो सबसे पहले आपको जो है ये पूरा प्लान दे दिया जाएगा, ये हो गया होस्ट वे प्लान। और फिर ये हो गया दोस्तों आपका मशीन रूम प्लान, और उसका जो है सेक्शन हो गया ये, और फिर मशीन रूम के ऊपर में जो आपका जो है उसका जो फ्लोर रहेगा उसमें जो है क्या क्या कटआउट जो है देना है वो सारा डिटेल, और उसका क्या साइज होगा ये सारा आपको जो दिया हुआ, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है जिस समय आपका जो है कास्टिंग काम चल रहा है उसमें जो है आप कास्ट ये कटआउट का जो है साइज़ दे सकते हैं। तो जो है मार्किंग के हिसाब से आप उसमें ब्रेकर से उसको जो है तोड़ भी सकते हैं, होल भी कर सकते हैं या कोर भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करें तो ये हो गया इसका प्लान। अब इसमें है, और ये चीज़ आपको हमेशा रहेगा, ऑनर टू प्रोवाइड फ्लोइंग आइटम, मतलब जो ऑनर है आपका जहाँ जिसका में लिफ्ट लगाया जा रहा है वो सब ये चीज़ जो प्रोवाइड करेगा। आप इसको जो है बेसिकली जो है एक लाइन से आप पढ़ सकते हैं, इसको अगर हम ज़्यादा बताएं पढ़ के बताएंगे थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से देख लीजिए, इसको मैं यहाँ दे दिया, आप इसको वीडियो को पॉज करके जो आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आगे बात करें अब जो है कॉन्ट्रैक्ट डाटा क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है, और एस्टिमेटेड वेट क्या क्या वेट उसका रहेगा, और फिर ये रहेगा आपका जो है उसी में आएगा। फिर जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, कैपेसिटी क्या है 408 केजी का, इस लिफ्ट का कैपेसिटी आपका है 408 केजी को ये जो है उठा सकता है, लेकर जा सकता है। तो फिर अब हम चलते हैं फिर शुरू में, यहाँ देखिए पहले हम चलते हैं लिफ्ट का जो होस्ट वे प्लान है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, ये देखिए ये आपका हो गया गेट हो गया डोर हो गया, ये डोर हो गया एंट्रेंस, इसका सारा साइज आपको दिया हुआ है, और ये इसके पीछे जो ये आपका रहेगा वेट वाला जो है, और फिर ये सारा डिटेल आपको जो मिल जाएगा, और इसका साइज जो है कार का जो इसमें साइज रहेगा केबिन का जो साइज रहेगा वो आपको रहेगा 1100 × देखिए 920, 1100 × 920 का कार साइज रहेगा आपका, ठीक दोस्तों। और फिर इसमें जो है, और इसका जब सेक्शन आप देखेंगे नीचे में, तो नीचे में देखिए यहाँ पे जो है ये रहेगा कुछ इस तरह से आपको जो है फाउंडेशन करके, ये आपका स्प्रिंग टाइप का रहेगा जो कि अगर इनकेस अगर लिफ्ट जो है गिरता है तुरंत उस पर इस स्प्रिंग टाइप का जो हैवी रहता है ये, इसको ही बनाना ज़रूरी होता है, इस पे आकर के वो रेस्ट करे। और फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया लिफ्ट का, ये सारा आप डायमेंशन यहाँ से देख लीजिए। आप इसको जो है मैं फिर से बताना चाहूँगा, इस ड्राइंग को आप जो है मेरे से ले भी सकते हैं, आप हमारे बस क्या करना, मेरा जो है आपको जो है इस वीडियो के नीचे जो मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा आप वहाँ मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको जो इसको भेज दूँगा। तो ये सारा डिटेल आप जो है बारीकी से पढ़ते जाइए, और ये सारा होल होगी आपका जो है स्लैब में रहेगा। अब हम बात करते हैं मशीन रूम का, तो मशीन रूम प्लान देखिए कैसे रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा आपका,
और इस साइड आपका जो ओपनेबल इतना जगह रहेगा कंट्रोलर, और ये आपका गेट हो गया, और यहाँ पर आपका मशीन बैठा रहेगा, और ये हो गया आपका ट्यूबलाइट, ये सीलिंग में रहेगा आपका, तो ये सारा डिटेल रहेगा। अब सारा साइज आप देखते जाइए, फिर इसका अगर सेक्शन देखेंगे तो ये हो गया सेक्शन, और हर एक फ्लोर में जो आपको देखिए यहाँ पर चार स्टॉपेज टाइप को दिखा हुआ, हर एक फ्लोर में जो आपका जो है 3100 में जो है आपका जो ये स्टॉप करेगा ये लिफ्ट, और ये आपका हो गया। फिर अगर हम बात करें, ये देखिए मशीन रूम इतना आपका जगह रहेगा, और ये आपका हो गया, और यही आपका जो है केबिन हो गया, यही मूव करेगा आपका ऊपर नीचा होगा, और ये गया रोप स्ट्रेच हो गया। तो इस तरह से आप जो है लिफ्ट का जो है डिटेल देख सकते हैं, और ऐसा जो है बहुत सारा आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का जो डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। और फिर ये देखिए क्या है, टिपिकल इंट्रेंस सेक्शन, ये इंट्रेंस सेक्शन हो गया आपका जो है। और फिर अगर ज़्यादा हम डिटेल अगर आपको इसको बारे में जानना है तो हमको बता ही दिए हैं, आप इसको जो मेरे से ले सकते हैं, आप बाकायदा मेरा ईमेल में जो है ईमेल करके ले सकते हैं, और वहाँ से बारीकी से आप इस चीज़ को जो है पढ़ सकते हैं, जिससे क्या कि आपको जो है बेनिफिट रहेगा। और एक और चीज़ आपको दोस्तों बता दूँ कि लिफ्ट वाल, खास करके अगर लिफ्ट वाल की अगर हम बात करें तो लिफ्ट वाल जो है, और वो डिपेंड करता है कि आपका जिस हिसाब से आपका जब प्लानिंग जब बनाया जाता है तो कितना पैसेंजर को वो जो है के हिसाब से जो उसका शाफ्ट का साइज जो बनाया जाए, और उसी हिसाब से जो है आप जो है अपने जो भी कंपनी का आप जो है बोल सकते हैं, उस हिसाब से वो जो है शाफ्ट का साइज़ देखते हुए वो आपके लिफ्ट का जो है ड्राइंग बना करके देगा, और वो आकर के जो इंस्टॉल करके चला जाएगा, आप चालू करके चला जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस ड्राइंग को जो आराम से स्टडी कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। अगर आप लिफ्ट का डिज़ाइन या ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको रेफ़र करके जब बना सकते हैं। एक और चीज़ फिर से बताऊँगा कि आपको मेरा जो है अब शाफ्ट का साइज़ और कार का साइज़ कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए है मेरा आई बटन में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, जिसमें जो है मैं बताया हूँ कि आदमी का वेट कितना, वेट के हिसाब से कितना पैसेंजर ले सकता है वो रहेगा, प्लस उसके हिसाब से वो शाफ्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से केबिन का साइज़ क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके रेफ़र कर सकते हैं, और इस ड्राइंग के हिसाब से आप जो अपना ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लिफ्ट को लेकर के जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको भी इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप बेहिचक जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और दूसरा चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और ये जानकारी जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई भी वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मैं एक नया वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें जो है मैं बताऊँगा कि हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ RCC लिफ्ट वाल, कैसे कैलकुलेट करना है, और ये साइज़ मेरा जो है सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों।